अफगानिस्तान से लगातार अफगान नागरिक भागने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षित निकासी प्रक्रिया में भारत भी अहम भूमिका निभा रहा है। अफगान सीनेटर अनार कली होनार यार, अफगान सांसद नरेंद्र सिंह खालसा समेत करीब 23 अफगान सिखों को भारत सरकार ने काबुल से निकाला, जिसके बाद दोनों ने वीडियो मैसेज जारी कर भारत सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि इस कदम ने उनकी जान बचाई है। वैसे भी अफगानिस्तान से किसी तरह बचकर भारत आ रहे लोगों की आंखों में सुकून के साथ साथ खौफ साफ देखा जा सकता है। भारतीयों को जहां देश लौट आने की खुशी है, तो अफगान नागरिक अपने देश को यूं बर्बाद होता देख रोने लगते हैं। रविवार सुबह जब हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लैंड किया, तो 168 लोगों के परिवारों ने चैन की सांस ली। इनमें 107 भारतीयों के अलावा अफगानिस्तान के सिख और हिंदू नागरिक भी शामिल थे। अफगानिस्तान के सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा तो मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। उन्होंने बताया कि हिंदू और सिख भाई बहुत परेशान हैं। मैं भारत सरकार से यही अपील करता हूं कि जितने बंदे वहां बचे हैं उनको भी ले आया जाए। एयरपोर्ट के हालात बयां करते हुए उन्होंने कहा कि हर गेट पर 5 से 6 हजार लोग खड़े थे, बीच में तालिबान के लोग भी आए, उधर पता ही नहीं लगता था अच्छा बंदा कौन है बुरा बंदा कौन है। खालसा उन 23 अफगान सिख और हिंदू नागरिकों में से एक हैं जिन्हें C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए रविवार को भारत लाया गया है। इस फ्लाइट में 107 भारतीय नागरिक भी सवार थे। काबुल से हिंडन एयरबेस के लिए सीधी उड़ान में कुल 168 लोग सवार थे। अफगान सीनेटर डॉक्टर अनार कली होनार यार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए एक वीडियो मैसेज में कहा, काबुल से हमें एयरलिफ्ट करने और हमारी जान बचाने के लिए भारत का धन्यवाद। उन्होंने भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय और भारतीय वायुसेना को धन्यवाद दिया। बाहर निकलते समय मीडिया से बातचीत में एक अफगानिस्तानी शख्स ने कहा कि मैं बहुत सेफ महसूस कर रहा हूं। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए उसने बताया कि उसकी पत्नी भारतीय है। एक अन्य अफगान वजूद शहजाद ने कहा कि वहां हालात बड़े खराब हैं। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर हमें 24 घंटे इंतजार करना पड़ा। मनजीत सिंह ने कहा कि हमारी संगत गुरुद्वारे में फंसी हुई है। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि वहां फंसे 280 लोगों को भी निकाला जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया है कि भारतीयों की निकासी जारी है। शनिवार को काबुल एयरपोर्ट जा रहे 150 से ज्यादा भारतीयों को तालिबान ने कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में दस्तावेज चेक करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। भारत सरकार सबसे पहले उन भारतीयों का रजिस्ट्रेशन कर रही है जो अफगानिस्तान में हैं और लौटना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने में मदद की जाती है। एयरपोर्ट के बाहर ही असल चुनौती है। भीड़ बढ़ती जा रही है और एयरपोर्ट में घुस पाना मुश्किल, खासतौर से जहां फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं। एयरपोर्ट के आसपास मौजूद हिंसक भीड़ और अचानक फायरिंग के चलते वहां घुसना मुश्किल हो गया है। अमेरिकी फौजें एयरपोर्ट पर कंट्रोल रखे हुए हैं और बचाव के काम में मदद कर रही हैं।